गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कर लीजिए सब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रियंका, कैमरा ऑन करिए। रोशन, चलो किसी को कुछ पूछना है? लास्ट क्लास जो मैंने टेस्ट लिया, कुछ ऐसा सवाल जो समझ में नहीं आया जो पूछना है? ऐसे लास्ट में मैंने बताया। यस मैम, वो जो मैं 15 आउट ऑफ 15 वाला जो था ना, वो कैसे? वो मैंने क्लास कल बता दिया था, तुमने क्या नहीं किया? मैम हम लोग लीव हो गए थे। मैम हम लोग लीव हो गए थे ना। मैम फिर से बता दीजिए। मैम म्यूचुअली क्या था? एग्जॉस्टिक था ना, वो क्या था? म्यूचुअली एग्जॉस्टिक क्या है? पता नहीं, अब दो चीज बताई थी मैम। वो 15 वाला था, बताए तो थे दोनों। नो मैम, एक ही लिखवाई थी। अच्छा ठीक है, एक ही लिखवाई हो सकता है। हमारे भी तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? कैमरा ऑन करो विश्वास। मैम जो कल आप क्वेश्चन दी थी ना, 15 स्टूडेंट्स में 15 का वो पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैम जो हम आंसर बताया था वो सही था कि गलत था? आंसर सही था। ठीक है मैम, फिर से बता दीजिए सबका आंसर। सबका आंसर, सब सारे सवाल तो मुझे याद खुद ही नहीं है। हम बता देते हैं। ठीक है सुनो, वरना एक एक करके सारा सवाल पूछो। पहले कैमरा ऑन करो, मुझे कैमरा ऑन। कैमरा ऑफ मैम, बाहर में ऐसा क्या सुन रहा है? मैम एक ये भी क्वेश्चन था, आप बोली थी दो ढाई से हम उसको दो बार उछाला, हम उसने क्वेश्चन पूछी थी तीन, कितना बार फेंक रहे हैं? दो डाइस है उसको फेंक रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मतलब आ गया था क्वेश्चन, क्या पूछना है? एक मिनट, तो क्वेश्चन तो बोलने दो, सबका आंसर एक ही करके दे देंगे। सृष्टि क्वेश्चन क्या था? दो डाइस शो कर रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी थी हमें? यस मैम, प्रोबेबिलिटी तो निकल गया था मैम उसका, मतलब क्या बताना क्या था क्वेश्चन क्या था, आंसर भी बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर मुझे बताना है, जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कुछ है, तो फिर उस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो पूछो। ठीक है चलो देखते हैं क्या है। पहले तो प्रोबेबिलिटी का रेंज तो सबको पता है ना, शुरुआत से शुरू करते हैं। सो रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 0 to 1। इसमें तो किसी को शक नहीं है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी जीरो कब होता है? जीरो कब होगा? जब पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई कॉइन में हेड और टेल होता है, सिंपल कॉइन टॉस कर रहे, हेड टेल आता है, कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 बताओ, 6 प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, अब बताओ उसमें 6 है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। और इसको अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो इसमें क्या लिखा जाता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सो देयर इज नो फेवरेबल केसेस, सो दिस वुड बी जीरो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं? जो भी ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, जितना भी ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, हेड और टेल, कॉइन टॉस करोगे सिर्फ दो ये आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, तो दो पॉसिबल ऑप्शंस है, इन दोनों में से कुछ आएगा, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस बोलो या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलो, सो वो 2 है। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 0। और इस 0 का मतलब ये हो गया कि जो भी आउटकम, जो फेवरेबल इवेंट है, ये बेस कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा, एग्जाम देंगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, पास हो फेल हो या कुछ भी हो, कुछ तो आएगा ही ना। लाइफ है, कुछ ना कुछ तो, जो भी काम आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो जो आप डिवाइड कर रहे हैं, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
क्योंकि कुछ भी करिएगा उसका रिजल्ट आएगा, आप ड्राइव थ्रो करेंगे तभी कुछ आने की प्रोबेबिलिटी जरूर होगी, तो जो पॉसिबल ऑप्शन है 6 पॉसिबल ऑप्शन है तो वो 6 में से कुछ आ सकता है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होता। तो फेवरेबल जब भी प्रोबेबिलिटी जीरो है तो ये दिमाग में अपने आप से क्लिक करना जाना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो होंगे यही जीरो हो सकता है, ये जीरो है तो आंसर जीरो, और अगर ये जीरो है इसका मतलब ये है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा मतलब वो हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल क्या है, कुछ भी इम्पॉसिबल के केस में ले लो जो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अकर होने का, मान लो एग्जाम ही नहीं दिए, अगर कोई बोलता है तुम पास हो गए, अब बताओ ये मजाक ही है ना, क्या हो सकता है क्या, एग्जाम दिए ही नहीं रिजल्ट कहाँ से आ गया मेरा, ठीक है। तो यही चीज होता है जो इम्पॉसिबल है वही केस आपके वाले है। अब इम्पॉसिबल है जो कि होने ही नहीं वाला, जैसे कोई बोलेगा कि हम कभी नहीं मरने वाले, क्या ये पॉसिबल है, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो मर, तो जो ये काम आ जाता है वही चीज है इम्पॉसिबल, मतलब वो नहीं होने वाला। अब दूसरे केस में मान लो इसी का एक एग्जाम्पल और ले लो, कोई ऐसा क्वाइन है जिसके दोनों ही आप स्पेशली उसको डिजाइन कर रहे हैं, दोनों ही फेस पे मान लो हेड डाल दिए, ठीक है, अगर आप दोनों ही फेस पे हेड है आपको क्वाइन पता है, तो अगर कोई पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, अब बताओ क्या होगा, देयर इज टू फेवरेबल केसेस एंड टोटल टू एग्जॉस्टिव केसेस, तो ऑब्वियसली ये 2/2 हो जाएगा और इसका आंसर जो है 1 होगा, ये 1 हो गया इसका मतलब क्या है बताओ, गारंटी है कि वो 1 ही आएगा, हेड ही आएगा। अब इसमें कल एक कुछ लोगों ने बोला था कि जब प्रोबेबिलिटी 1 है, जैसे वो एग्जांपल ले लो जो मैंने 15 स्टूडेंट है क्लास में और 15 के पास होने की प्रोबेबिलिटी, सब लोग क्या बोल रहे थे 1 होगा, 1 होगा इसका मतलब ये है कि आप गारंटी लेते हैं कि वही होगा एंड उसके सिवा कोई भी पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, जैसे इस केस में अगर हम कॉइन टॉस करते हैं देन हम गारंटी ले सकते हैं कि हेड के सिवा कुछ नहीं आने वाला है, आएगा आएगा कुछ और, no, और इस केस में आप गारंटी ले सकते हैं कि इस कॉइन में कभी भी टेल नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे जब भी प्रोबेबिलिटी जीरो आती है या फिर प्रोबेबिलिटी वन आता है दैट इज अ गारंटी, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम गारंटी की बात ही करते हैं, संभावित है ऐसा हो सकता है, ऐसा इतना परसेंट चांस है कि हो सकता है, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये होने का बहुत कम चांस है, ये होने का बहुत ज्यादा चांस है, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी जीरो और वन हो जाए देन दैट इज गारंटी कि वो होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी वन है दैट मीन्स दैट इवेंट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन, वो होगा ही होगा और कोई रोक नहीं सकता, वो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अगर इस कॉइन को आप टॉस करते हो तो हेड के सिवा कुछ भी आने का कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे आप गारंटी दे सकते हैं कि हेड ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी गारंटी ले सकते हैं कि जल बिल्कुल नहीं आएगा, बताओ होगा या नहीं होगा। मैम समझ में आया ये चीज क्या है, क्योंकि yes. उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आप जो क्वेश्चन वहां पे 15 स्टूडेंट और 15 के पास होने का ऑप्शन जो बता रहे थे 15/15 क्या वो पॉसिबल है मुझे ये बताओ, पाए इस लॉजिक के हिसाब से नो मैम, 15 स्टूडेंट है 15 पास कर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी वन है, सब बता रहे थे, सबके सब बहुत एकदम एक स्वर से बता रहे थे, तो वन होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप गारंटी लेते हैं, अगर वन प्रोबेबिलिटी दैट मींस श्योरली दैट इज गोइंग टू हैपन, सब के सब पास होगा ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। मैम प्लीज एक और फिर से, मेरा नेट स्लो चल रहा था। अच्छा धर्म जी नेट स्लो चल रहा था, तुम बार बार एग्जिट और इन हो रहे हो। यस मैम, अब आ गए छत पे दम ऊपर। चलो यहाँ पे तो ये 15 में से 15 सारे बच्चे पास हो जाएंगे, ये ऑप्शन कभी होता ही नहीं, क्योंकि हर बच्चा पास करेगा या नहीं करेगा ये तुमको खुद ही नहीं पता,
सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। तो यहाँ पे आप जो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे कि सब बच्चा 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर इस तरह से जा रहा है और 15 है, 15 के 15 बच्चा पास हो गया, 15/15 कर दे, और इसका मतलब अगर हम ये लिख दे 1, इसका मतलब ये हो गया कि सबके सब बच्चा पास कर गया। तो ये सबके सब बच्चा पास कर जाएगा, ये आप किस हिसाब से ये फॉर्मूला बनाएंगे? यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही अप्लीकेबल नहीं दिख रहा है। क्या है ये अप्लीकेबल? प्रोबेबिलिटी 1 मतलब श्योरली वो पास ही करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ एक मिनट सुनीता क्या कर रही हो, अब यहाँ पे पास होगा ही होगा ये गारंटी तो वो स्टूडेंट खुद नहीं ले सकता अपना, तो बाकी सारे 15 बच्चे का गारंटी तुम कैसे ले लोगे कि पास ही करेगा? ले सकते हो नो मैम, तुम अपनी गारंटी लोगे ये भी मुश्किल है, और तुम सारे क्लास की गारंटी ले रहे हो कि पास करेगा, है पॉसिबल? प्रैक्टिकली सब बच्चा एडमिशन लिया है, सब बच्चा पास कर जाएगा, एक ही स्टूडेंट है, सब पास कर जाएगा। हाँ बोलो। नहीं हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? यही जो बताया। अब उस समझ में इसमें क्या चीज नहीं आया ये बताओगी तब ना पता चलेगा। क्या समझ नहीं आ रहा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे पहले क्लास किए हैं? प्रोबेबिलिटी का क्लास इससे पहले की हो? सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करके बोलो। किया है या नहीं किया है? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रहा है मैम। यस मैम। यस मैम। तब फिर आपका नेटवर्क इशू है सुनोता, उसको क्रैक करिए पहले। चलो प्रोबेबिलिटी ये चीज तो होगा। अब देखो सारे बच्चे के पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो श्योर है 1/2, तुम पास करोगे या फेल करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और ये टर्म मैंने यूज किया था इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हम लोग बाद में गए थे, पहले हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सारे बच्चे के पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। सो हर बच्चा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तुम्हारे दोस्त के पास होने की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/2 है। तुम्हारे दोस्त के दोस्त मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं सबका ले लो, सबका पास होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ये 1/2 और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तुम अगर पास हो जाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दोस्त भी पास हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और सब 15 स्टूडेंट पास हो जाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी आता है 1/2 1/2 1/2, कहाँ तक जाएगा? टोटल 15 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 to the power 15 जो होगा ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऑल द 15 स्टूडेंट। 15 बच्चे हैं क्लास में तो सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसको हम बिना बाइनोमियल के यूज से भी बना सकते थे, ठीक है? ये बिना बाइनोमियल के यूज से मैंने बनाया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसको पता है, जरूरत नहीं है यहाँ पे बाइनोमियल की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पता है, सिर्फ उसके बेसिस पे इतना आंसर आ गया। बाइनोमियल यूज करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। पहले ये चीज समझ में आया या नहीं ये बताओ। आदित्य आ गया। मैं कल क्या पढ़ाए थे पहले? क्योंकि सबके सबका पास होने का वही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तुम पास करोगे तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा काम, तुम्हारा दोस्त पास कर जाएगा तुम पास कर जाएगा, तुम्हारा दोस्त भी पास कर गया तुम्हारा सारा ग्रुप पास कर गया, ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं और ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर इसी चीज के लिए ये टर्म आप लिख सकते हैं कि सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ चलता जाएगा। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को शुरुआत में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था तब भी दिया था कि अगर दो भाई हो घर में, दोनों को एग्जाम देना है, दोनों को पास करना है, पापा ने कहा है दोनों ही पास कर जाओगे तब हम कुछ बाइक खरीद देंगे साइकिल खरीद देंगे कुछ भी ऐसा बोल दिया। अब अगर ये होगा तो यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों को ही पास करना है, अगर दोनों पास नहीं करते हो तो फिर आपको जो भी मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है,
और आपके भाई के पास होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सक्सेस दोनों ही पास करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और अगर ऐसा होता है तो आपको जो भी गिफ्ट मिलने वाला है, जो भी कहा है टेस्ट में वो मिलने वाला है, वो दलिया का होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अब 1/4 हो गई। लेकिन सिर्फ आपके पास होने पर अगर ये डिपेंड कर रहा होता तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 होती। सिर्फ आपके भाई के पास करने की बात होती तो ये होता, तो फिर 1/2 प्रोबेबिलिटी होती। लेकिन अगर दोनों को पास करना पड़ेगा, ये कंडीशन डाल दिया, तो ये भी हो सकता है तुम पास कर जाओ, तुम्हारा भाई पास ना करे, तुम्हारा भाई पास कर जाए तुम नहीं करो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दोनों को ही पास करना है। अगर इस हिसाब से देखो तो मान लो तुम्हारा पास और फेल होना एक अलग, पास और फेल लिख देते हैं या सक्सेस फेलियर जो भी है, पास और फेल लिख देते हैं, ठीक है। पास और फेल आपका एक ऑप्शन है, आपके भाई का पास और फेल का दो ऑप्शन है। अब क्या है कंडीशन, पापा ने क्या दिया था कि दोनों पास करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, तुम पास कर गए तुम्हारा भाई फेल कर गया ये हो जाएगा, तुम फेल कर गए तुम्हारा भाई पास कर गया ये हो सकता है, या फिर दोनों ही फेल कर गए, चलो कुछ ही नहीं मिल रहा है, कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, तो ये हो सकता है। अब इसमें दोनों पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1, ठीक है, और ये कितने में आया है, 4 में, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब तुम इस मेथड से अप्लाई करो, ऐसे करो या फिर ऐसे कर लो, दोनों के पास होने या फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और तुम्हारे भाई के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख लो। दोनों ही तरीका लिखने का है, दोनों में कोई भी तरीका गलत नहीं है और दोनों में कोई भी तरीका नहीं है बहुत ज्यादा एडवांस है बहुत ज्यादा, ये इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको इतना सारा लिखना पड़ता है ना। जब यहाँ पे ये वाला स्टेप करिएगा तो आपको सिर्फ दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया मल्टीप्लाई 1/4 डायरेक्टली आंसर आ गया। जब इसके मेथड से करोगे तो ये पूरा सेट बना के तुमको ऐसे देखना पड़ेगा जो हम इनिशियल लेवल के प्रोबेबिलिटी में देखते थे, ये भी करते थे शुरुआत हम लोगों ने यही से किया हेड टेल वाला केस, तो ऐसे कर लो, तो ऐसे भी बनाओगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, ऐसे भी बनाओगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? यस मैम। किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? विकास समझ में आया 21 रोल नंबर? मैम ये वाला तो समझ गए लेकिन 115 वाला नहीं समझे। अच्छा अब बताओ जरा, दो बच्चा के पास होने का कंडीशन ये डाले थे तो 15 बच्चा के पास होने का कंडीशन क्या होगा? 15 बच्चे वाले में तुम ये करोगे तो बहुत लेंथी होगा, कर लो एक बच्चे के लिए पास फेल, दूसरे बच्चे के लिए पास फेल, तीसरे बच्चे के लिए पास फेल, इस तरह से पूरा 15 कॉम्बिनेशन बनाओ, इस तरह का बनाओ, वो बहुत लंबा जाने वाला है। सो इट्स बेटर कि एक बच्चे के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/2, थर्ड की 1/2, फोर्थ की, इस तरह से जो हमें यहाँ लिखे हैं 15 तक चले जाइए और इसका 1/2 कर लीजिए। क्या समझ आया अभिषेक? 7.5 मैम, तो सबको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया था ना, ये तो मल्टीप्लाई करके लाएंगे। देखो तो दोनों भाई का पास होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताया ना, कैसे बनाओ अगर ऐसे बना सकते हो, तुमको ऐसे लगता है तो ये तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको ऐसे बना कर देख लीजिए, लेकिन ऐसे बनाया नहीं जाता क्योंकि ये नंबर जब ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन आपको खुद ही होगा, पता चला एक महीने तक यही क्वेश्चन बनाते रहता है, तो ऐसा तो नहीं करना है। सो इट्स बेटर कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आपके पास होने की है, आपके क्लासमेट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आपके नेक्स्ट क्लासमेट के पास होने की प्रोबेबिलिटी जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो सारा मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं टोटल, तो 1/2 का पावर 15 हो जाएगा, 7.5 कैसे आ रहा है? 2 का पावर 15, 7.5 आता है, कोई अभी 7.5 कुछ बोल रहा था, हजार में जीत बोल रहा था, तो 1/2 का पावर, जैसे 1/2 का पावर ये था उसको लिख सकते हो ना, 1/2 का पावर 7.5 मैम, वो तो हम किसी और के लिए बोल रहे थे ना। अच्छा अच्छा 1/2 का पावर 4, तो ये चीज हो गया, 1/2 का पावर 15 इसको लिख लो। अब 2 का पावर 15 सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, अब निकालो इसको, 2 का पावर 5/32 होता है, फिर 2 का पावर 5/32 होगा, 2 का पावर 5/32 32 मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/2 उतना जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, जिसमें 15 बच्चे हैं क्लास में और सबके सब पास करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसमें 20 होंगे, 50 होंगे, सबके क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 86 है, मानो जो भी है, सो 1/2 टू द पावर 80 कर लिया जाए, ये हो जाएगा आपके क्लास के 80 स्टूडेंट्स और उन सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी है।
और ऑब्वियसली वो कम होगा, कुछ ना कुछ, कोई हो सकता है फेल कर जाए, कोई हो सकता है पास कर जाए, कौन पास कैसे फेल कर जाए। मैम इसका डिजिट तो निकालनी है, 32768 आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा लिख लो भाई, सही आंसर है। इतना नहीं भी बताना तो इतना इनिशियल टर्म तो ऐसे बताया जा सकता है। समझ में आ गया क्या है? दो वाले केस में मैंने बताया था, विश्वास, गुलशन तुम लोगों का क्वेश्चन था, और कौन थे, एक सचिन जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ये सब। ठीक है, समझ आ गया या नहीं बोलो, ये क्लियर करो मुझे ये दोनों क्वेश्चन। विनीता फिर है यही आपका से मैंने क्वेश्चन पूछा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा कम होगी क्योंकि सबको पास करना है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या था, बेज थ्योरम क्या था, तो बेज थ्योरम क्या था ये जो हम पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे मैम, लिखे नहीं थे। अच्छा लिखे नहीं थे, कोई और है जो क्लास में बता सकता है बेज थ्योरम? कब लिखवाए थे मैम? यस मैम, शायद मैम थ्योरी ये सब आपने लिखवाई है। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, फॉर्मूला ही बताना उसमें करते क्या है। मैम बताई थी तो बस ये वो याद है। ठीक है, हाँ वही चीज है, तो उसका फॉर्मूला बताया था और किस कंडीशन में यूज होता है ये बताया था। ठीक है, लिखने के लिए होता, लिखने के लिए भी लिख लोगे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यूज करना है उसका, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, अल्टीमेटली फॉर्मूला यूज करना है, एंड किस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। हिस्ट्री तो हम लिखना नहीं है, कोई आज का क्लास तो है नहीं, ये तो पता है सबको, तो ऐसा तो कुछ करना नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि किस कंडीशन में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं और किस कंडीशन में बेस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से सॉल्व होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनिशियल लेवल पे डिफाइन करते हैं, और सेकंड में क्या करते हैं, उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मॉडिफिकेशन करते हैं, कहीं ना कहीं उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ मॉडिफिकेशन, कहा जाए हमसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। चलो अगर मान लो जैसे इसको तो वही तरह से समझ सकते हो, जैसे कुछ अगर पता है आपको, आपको पता है ऐसे जनरली मैथमेटिकल टर्म में देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो क्या है, 1/2 है, लेकिन आपको पता है कि आपका फ्रेंड बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना कि प्रोबेबिलिटी जो 1/2 है उससे ग्रेटर हो रही है, बता सकते हैं। तो वही चीज थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बताने के लिए जो है वो बेस थ्योरम इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो होता क्या, जैसे मान लो 3 पर्सन है, सपोज 1, 2, 3, ठीक है 3 पर्सन है, सो फर्स्ट पर्सन जो है उसका, उसने कहा है कि अगर हम इलेक्शन में जीतते हैं तो कुछ ऐसा बताओ जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बताओ तो क्या हो सकता है, सड़क बनवा देंगे। चलो ठीक है, चापा काल में पैसा बचा। चलो ठीक है, सड़क बनवा देंगे, ये 1 अगर करता है, 1 अगर इलेक्ट होता है तो ये बोल रहा है कि देयर इज अ 1/2 प्रोबेबिलिटी, हाफ है कि हम ये बनवा देंगे। दूसरा है कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि हम बनवा देंगे, और ये जो है वो 2/3 है जो हम बनवा देंगे। फ्री में स्कूटी बांटेंगे पास होने पे। चलो ठीक है, हाँ स्कूटी बांटेंगे, मजाक चल रहा है। चलो 1, 2, 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस दिस ये वाला टर्म दे दिया। ठीक है, अब अगर मान लो सड़क बन गई, आप ये इलेक्शन जीतना था जिसको, जो जीत गया आप चलो बाहर चले गए, अब क्वेश्चन में ये आता है कि सड़क बन गई, ठीक है सड़क बनवाने का प्रोबेबिलिटी ये अलग अलग था, अगर फर्स्ट कैंडिडेट इलेक्ट होता है तो हाफ है प्रोबेबिलिटी ये बना देगा, सेकंड आते ये कराएगा ये करा देगा, ऐसा कुछ कुछ है। और अब ये है कि आप चलो कहीं चले गए थे 2 साल 5 साल के लिए, उसके बाद जब वापस आ रहे हैं तो सड़क बन चुकी है, ठीक है सड़क बन चुकी है। अब जब सड़क बन चुका है तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो जीता था। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, सड़क बन गया लास्ट में तुम्हें ये पता चल रहा है, अब मुझे ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला इंसान था ए बी सी डी में जो नंबर था, सपोज ए ही कर लो,
एबीसी में ए जो है वो जीतता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसे केसेस में बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो क्या है? अब इस हिसाब से देखा जाए तो देयर आर थ्री कैंडिडेट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट E1 मान ले हम इसको, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकंड कैंडिडेट एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ थर्ड कैंडिडेट। तो ये तीनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है, बताओ। तीन इंसान है, तीनों के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और थर्ड के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी या नहीं होगी? यस मैम, ये हो गया। अब उसके बाद कंडीशन दिया है कि अगर हम जीत गए, इसने कहा ए ने कि अगर हम जीत गए तो फिर क्या होगा, क्या करने वाले हैं? सड़क बनवा देंगे। मतलब ये बोला जा रहा है कि हम सड़क बनवाएंगे, और सड़क बनवाना मान लो एक इवेंट है, सपोज क्या लिखे, कुछ और टर्म डाल दो, बी लिख देते हैं, ठीक है? नहीं, ये बी सी यूज किया हुआ है तो हम कुछ और लिख देते हैं, के इवेंट है या फिर क्यू, चलो क्यू इवेंट हो रहा है, मतलब सड़क बनवाएंगे। फर्स्ट ने कहा अगर हम जीत गए, अगर हम जीत गए मींस क्या होगा, प्रोवाइडेड गिवन दैट इवन, ठीक है, अगर हम जीत गए तो हम सड़क बनवा देंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। समझ आया क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? बोलो। नो मैम। हाँ, एक बार मैम, यहाँ तक समझ में आ गया था? यस मैम। जहाँ से उड़ने लगे पहले बता दो, नहीं तो पता चला पूरा कहानी हम सुना दिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि यहाँ से हमको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो पहले ही बता दीजिए। अब ये जो है, अगर क्या कहा, जो ऑप्शन ए है, जो पर्सन ए है, उसने क्या कहा कि हम सड़क बनवाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। लेकिन सड़क बनवाएंगे कब? जब हम जीतेंगे। जब हम जीतेंगे तभी ना भाई, हार गए तो सड़क बनवाना ही नहीं है, ऐसा ही करो। तो यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दिया, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता था, अगर हम जीत गए, इसका मतलब ये है अगर हम जीत गए तो हम सड़क बनवाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो सड़क बनवाने के लिए हमको जीतना तो पड़ेगा, तो यही चीज है, अगर हम जीत गए मतलब प्रोवाइडेड जो गिवन है इवन, अगर मेरा इलेक्शन में जीत हो जाता है तब हम सड़क बनवाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। समझ पाया? यस मैम। यस मैम। चलो इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी, यही इवेंट क्यू होगा, क्यू एक सड़क बनवाने वाले इवेंट को हम लिख रहे हैं, अगर दूसरा बी जो है वो जीतेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है सड़क बनने की? 1/3। अगर जो थर्ड पर्सन है वो जीतेगा तो सड़क बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। बताओ यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया क्या कर रहे हैं? अब कहा गया है सड़क बन चुका है, ठीक है, सड़क बन चुका है, तो अब इसके लिए बेस थ्योरम अगर लिखा हुआ याद हो तो सड़क बन चुका है तो आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये जो है हमें नहीं पता क्या है, सड़क बनने के इवेंट को क्यों लिखे थे, तो नीचे सड़क बन चुका है, तो बन चुका है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, जो हो चुका है। अगर हम जीतेंगे तो जीतेंगे पहले आएगा, सड़क बनना बाद में आएगा, समझ आ रहे हैं? जीतेंगे हम तो सड़क बनना बाद में आएगा। अब क्या क्वेश्चन में है, सड़क बन चुका है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो E1 हो जाएगा, मतलब ए की बात कर रहे हैं तो E1, बिकॉज E1 किसके लिए लिए थे? फर्स्ट पर्सन, ए पर्सन के जीतने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन क्यू, सड़क बन चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला जो इंसान ए था वो बनवाया होगा सड़क, ठीक है? तो ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो पहला इंसान कौन था, ए बनाने वाला है, ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए के केस में प्रोबेबिलिटी क्या था, E1 था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये वाला टर्म,
ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन इवन, दिस टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे समेशन लिखते हैं तो समेशन में क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस केस में आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे जो लिखते हो यहाँ पे ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन ई वन प्लस साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सारा तीनों का एड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन था अब यहाँ पे ई टू हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन ई टू फिर इधर से प्लस आ जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवेन ई थ्री, समझ आया क्या कर रहे हैं, जो तीनों केस है एग्जॉस्टिव, तीनों ऑप्शन है सबका प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे, ये करना है हमें। अब ये सारे वैल्यूज को आप रखिए रिजल्ट लाइए, अब यहाँ पे ये जो है इन सारे वैल्यूज को रखो, तो पहला इंसान है ये बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं ठीक है, जो फॉर्मूला लिखे हैं यही फॉर्मूला आप पढ़े थे, अप्लाई करो, नहीं हुआ था, हुआ था नहीं ना, कितना तीन का ऑप्शन नहीं बताए थे, दो के केस में बताए थे, बैग वाले केस में बताए थे, लेकिन बताए थे आप जाके प्रीवियस रिकॉर्ड देखिएगा, बैग के केस में बताए थे, सेकंड बैग से आया है, ये बैग से आया है, वो बताए थे, यहाँ पे इलेक्शन वाला एग्जांपल ले लिए, तीन ऑप्शन नहीं था, दो ऑप्शन था, लेकिन बताए थे वो तो मतलब x n c x by n c x मतलब दो दो, अच्छा ठीक ठीक है, चलो इसको देखो अभी फिलहाल, बाद में बैंक जाकर देखना क्या ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वो सड़क बनवाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, अब e1 ये प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बनवाने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 1/2 है इसका, तो 1/3 इंटू 1/2 ये 1/3 था, ये 1/2 था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, फर्स्ट का यही चीज हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस ऐड कर लो, दूसरे केस में क्या हो जाएगा ई टू वो भी 1/3 ही रहेगा, 1/3 इंटू इसका जीतने के बाद सड़क बनवाने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो 1/3 कर लो, प्लस साइन दो अगेन इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इसका जो दिया जा रहा है क्या है सड़क बनवाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, अब इन सबको सॉल्व कर लो जो आएगा वो आंसर है, ऊपर आपके पास बचा है क्या 1/6, इसको सिंपलीफाई कर लो ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म, ये 1/6 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 होगा, 2/9 हो जाएगा, सबको ऐड कर लो, सो 1/6 प्लस 1/9 प्लस 2/9, इसको सिंपलीफाई करिए जो आएगा वही आपका आंसर है, बेस थ्योरम ये होता है। मैम अगर वो सड़क नहीं बनवाया तो मतलब ये अब धोखेबाजी वाला बात कर रहा है, ये नेता झूठा निकला सिंपल, ये प्रोबेबिलिटी है ना, अब नहीं बनवाया तो नहीं बनवाया, ये बन चुका है उसके बाद का ऑप्शन है, मतलब इवेंट ऑलरेडी अगर हो चुका है अब उसमें कौन बनवाया होगा, ए बनाया होगा इसका क्या चांस है, बी बनवाया होगा उसका क्या चांस है, सपोज ऐसे होता ना कभी कभी घर गए तो इसको इस तरह रेशो दे सकते हो, घर गए कुछ चीज हो रहा है कि बहुत दिन से चलो ये आने वाला है ये आने वाला है, अब घर गए तो हो सकता है सबके घर में तो बहुत लोगों के घर में होगा भाई जो लाएंगे पापा लाएंगे, नहीं तो बहुत लोगों का ये भी होता है कौन क्या लाएगा कुछ पता नहीं है, कभी पापा कभी चाचा कभी माँ कभी मौसी कुछ भी लेके कोई भी आ गया, तो होता है ना कि आप अंदाजा लगा रहे हो ये चीज आया अरे कौन लाया होगा, तो आप ये सोच रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं, वैसा बनाया जा रहा है वैसा बताया जा रहा है, मतलब आप पूछे नहीं किसी से कि कौन क्या लेकर आया, चलो घर पे मिठाई लाया कौन लाया होगा, खुद ही सोच रहे हो खुद ही उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, आपके भाई ने लाया बहन ने लाया पिताश्री ने लाया कोई भी जो भी है ऐसा कुछ कहता है, तो ये उस केस में बता रहा है, मतलब आप जो भी नॉलेज एग्जिस्टिंग है पता है कि ये पापा लाएंगे इसका इतना चांस है, माँ लाने वाली है कि नहीं लाने वाली है, भाई लाने वाला है या नहीं लाने वाला है, लाएगा तो फिर क्या लाएगा, ये सब पता होता है ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ,
उस केस में आप गेस कर रहे हो या अंदाजा लगा रहे हो, तो फिर वो अगर मैथमेटिकली कर रहे हो तो फिर वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में है, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस और वो के बेसिस पे कर रहे हो तो फिर वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो जाता है। बट आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, इसके ये चांसेस है, तो उस केस में आप लगा सकते हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे शो करता है, जो नोन कंडीशन को जानता है, प्रीवियस कंडीशन ये है, अब ये हुआ है तो फिर ऐसे क्या हो सकता है, फिर ऐसे इसमें क्या होगा, इसका क्या ऑप्शन है। अब पता है घर पे गए, अब पता चला तुम्हारे घर का सारा बुक फेंका हुआ है इधर उधर, अब कौन किया होगा, क्योंकि ये रिजल्ट आप आउटकम देख रहे हैं, इस आउटकम के बाद मॉडिफाई कर रहे हैं। वैसे घर में जितने लोग हैं सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, कोई भी कर सकता है। पर पांच लोग हैं तो पांचों में से कोई एक खराब करेगा तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन उसमें से भी कौन कर सकता है, इसका क्या चांस है, वो अगर इन्वॉल्व कर लेते हो तो बेस थ्योरम इन्वॉल्व हो जाता है, तब वो बेस थ्योरम के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यही आपका बेस थ्योरम, जो आप नोन प्रोबेबिलिटी तो पता है, कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशन पता है प्रोबेबिलिटी, अब उस नोन ऑप्शन को फिर फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता सकते। इसका एक क्वेश्चन लीजिए ना। क्वेश्चन चलो ठीक है। मैम आप कल क्या पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे कल सर मार्क्यू तो ना मैम धनजीत का नहीं हुआ था, ले लीजिए धनजीत कर दूं पहले ही उसका। मैम कल मेरा घर में कुछ काम चल रहा था इसलिए। तो कल तुम्हारा नहीं हुआ था, परसों उसके पहले जो तुम दे चुके हो ना वही था। यस मैम हम दे चुके हैं। चलो लिखो तो एक जरा क्वेश्चन। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए तो बोलूं। यस मैम बोलिए बोलिए मैम। चलिए लिखिए जरा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ या फिर एक सेकंड जस्ट रुक जाओ। देर आर थ्री बैग्स, लिखो तो देर आर थ्री बैग्स ए बी एंड सी। देर आर थ्री बैग्स ए बी एंड सी। Bag A contains. एक सेकंड मैम रिपीट कीजिए मैम। The probability of. उसके बाद मैंने कहा उसको छोड़ दो, देखो there are three bags. Okay मैम. There are three bags. Bag A contains. Bag A contains two white and three red balls. Two white and three red balls. Bag B contains four white and five black balls. Four white and five black balls. Bag C contains three white and Bag C contains three white and five red balls. Four white and five black balls. Bag B में, bag C is
थ्री व्हाइट है ना एंड फाइव रेड, थ्री व्हाइट एंड फाइव रेड बॉल्स, ठीक है। निकालना क्या है बता रहे हैं, रुक जाओ। A bag is selected randomly. A bag is selected randomly. And a ball is drawn. And a ball is drawn. Ma'am, a bag is selected. A bag is selected and a ball is drawn. It is observed that the ball is white. Then find the probability that it is selected from the bag B. Then find the probability that it is selected from bag B. समझ आ गया क्वेश्चन? Bag C. B. इसका तो कान आज ज़्यादा ही सही चल रहा है। कभी कैलकुलेशन तेज हो जाता है तुम्हारा, कभी कान तेज हो जाता है। मैम it is selected. Selected from bag B. B. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये बताओ पहले। जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था ना वैसा ही है। अब कैलकुलेशन और जो भी करोगे वो अपना करोगे। तीन बैग है, तीनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2। व्हाइट बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लोगे, फिर कंडीशनल वेज जो भी करना है वो करोगे। और जो आता है मुझे बताओ। Okay, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Solve it now. Solve कर लीजिए जरा जल्दी से। देखें क्या है आपका आंसर। वैसे मुझे कल समझ में बाद में आया कि तुम लोग गूगल से सर्च कर रहे थे क्या बता रहे थे प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम का आंसर, और सबका आंसर कुछ अजीब ही आ रहा था। बेस्ड थ्योरम कैसा लिखता है गूगल पे? और मैंने ये चीज पता है कितनी बार आप लोगों को कहा था कि कभी भी क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टैटिस्टिकल टर्म्स इन सब के लिए गूगल मत करना, नहीं तो ना गूगल कुछ और ही बताएगा, क्योंकि उसका वेरियस एस्पेक्ट्स है। अब आपको कौन से एस्पेक्ट में क्या आंसर पूछा जा रहा है ये हमेशा नहीं मिल पाएगा, लेकिन पता नहीं गजब बीमारी है तुम लोगों का, पता नहीं होता है। मैम तो कुछ नहीं बताए। मैम व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 9/22 सब कुछ मॉडिफाई करने के बाद आएगा। अच्छा तुम लोग 9/22 समझ गए तुम्हारा आंसर। ऐसे नहीं बनेगा, जैसे बताए हैं अभी वैसे बनाना है, ठीक है वैसे बनो। से तो मैम फोर बाई एट आ रहा है, ऐसे 1/2 फोर बाई एट नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा तो रंजीत ये आंसर।
कुछ नहीं करना है, वो जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसी पे रख के चले जाओ, आ जाएगा आंसर। बन जाएगा ना वर्क इन प्रोग्रेस। अंटिल वेन मैम मेरा 4x9 आ रहा है, आप गलत है या सही नहीं पता। कैसे बनाया हो? बैग बी से बोल रहा है मैम, तो बैग बी में तो 4 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। हो गया, इसे बच्चा वाला प्रोग्राम है, नया वाला बताओ जो मॉडिफाई करके आ रहा है। मैम 0.36 आ रहा है। 0.36 0.06 तुम्हारा क्या है? कंडीशनल बेस का क्या है? डिनोमिनेटर वाले ये बता सकते हो टोटल सम? मैम मतलब नीचे डिनोमिनेटर का पूरा कितना आ रहा है? मैम 439/1080 Yes, ma'am. Divided by 1080. 439 by divided by 1080 कैसे आएगा? Probability है ना, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या? है या नहीं? विश्वास बना लिया होगा। विश्वास कितना आंसर आया? तुमने बना विश्वास बना दिया। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है मैम वो। अच्छा और तुम? हम तो बस बोल सचिन, डिनोमिनेटर में जो है ना वो भी प्रोबेबिलिटी है, न्यूमरेटर में है वो भी प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों को इंडिविजुअली लेस देन बनाना चाहिए। 160/359 क्या करके मुझे आंसर फाइनली बताओ सबका, कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ तो मुझे लग रहा है। विश्वास तुम्हारा बना? गुलशन वर्क इन प्रोग्रेस कैमरा क्यों बंद हो गया? हाँ मैं द्रजा, कैमरा क्यों बंद है? बनवा दे बता दे, तो हम पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। लोग बनाते ही कितना, बहुत कम बनाते हो क्वेश्चंस, प्रॉब्लम यही है। 1x5 1x2 तुम्हारा लोग से अब तक 3 बार आंसर आ चुका है। एक्चुअल आंसर क्या है लास्ट तक मुझे बता दे जिसके लिए श्योर हो। इसके लिए श्योर है मैम पक्का। Thank you.
नेक्स्ट डे होगा तो बता देते हैं उसको, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू।